आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने संजय प्लेस स्थित स्पीड क्लियर लैब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पेरेंट्स ने जिला प्रशासन से लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग की है। हाथों में पोस्टर लिए ये लोग विभिन्न शहर के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट्स प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्य हैं। इनकी प्रशासन से मांग है कि कोरोना जैसी महामारी के चलते 3 महीने लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहे हैं, ऐसे में प्रशासन स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ कराए। देखिए, लॉकडाउन के लगने से जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई, वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई। उसी में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय की कारोबार की तो कमर ही लगभग टूट चुकी है। ऐसे में सत्ता का और प्रशासन का ऐसा बिल्कुल ध्यान ना जाना ये बेहद दुखद और हास्यास्पद लगता है। हम लोगों की, या मैं कहूँ कि आगरा के समस्त अभिभावकों की ये मांग है कि कोविड केस जब तक भारत में 0 ना हो जाएं तब तक स्कूल बंद रखे जाएं। लॉकडाउन पीरियड की जिन दिनों स्कूल बंद रहे उन दिनों की फ़ीस माफ़ की जाए, और यदि वे अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो अभिभावक उन्हें आधी फ़ीस, ट्यूशन की आधी फ़ीस देने को तैयार हैं, ताकि उनके खर्चे, उनके टीचरों की फ़ीस भी निकल सके। प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े दीपक सरीन का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार खत्म हो गए, ऐसे में वो बच्चों की स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। अगर स्कूल प्रबंध तंत्र चाहे तो पेरेंट्स आधी ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद मुझे ये लगता है कि अगर एक यूनिट के बाद जिस स्कूल की आगरा में 2 और 3 यूनिट हो जाएं, यानी तरक्की का उच्चतम शिखर, उसके बावजूद भी अगर वो बड़े स्कूल ये कहते हैं कि हम फीस देने में अक्षम हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने स्कूल ही बंद कर देने चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हें ऑनलाइन फीस का आधा भुगतान भी करते हैं तब भी उनके खर्चे निकल रहे हैं, क्योंकि स्कूल का प्रतिष्ठान तो बंद है ना। केवल सैलरी देने की बात है तो हम उन शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं, हम आधी फीस देने को तैयार हैं ताकि उनका वेतन पूरा पूरा निकल सके। आज के प्रदर्शन का जो करने का जो हमारा जो मुख्य कारण है वो शासन प्रशासन को अपनी मांगों के लिए अवगत कराने के लिए है। जैसा कि स्कूल जो अभिभावकों के साथ में मनमानी कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर के ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें फीस में कुछ रियायत बढ़ दी जाए। अभी तक जो स्कूलों का ये प्रशासन का क्या रुख आपको दिखा है? अभी तक तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है स्कूलों की तरफ से, परेशान किया जा रहा है अभिभावकों को। प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन के स्पीड क्लब लैब के बाहर विरोध प्रदर्शन की सूचना पाते ही थाना हरि पर्वत की पुलिस स्पीड क्लब लैब पहुंच गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पेरेंट्स को घर जाने के लिए कहा। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।